हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल कोचिंग। दिस इज कृष्ण कांत सिंह बुंदेला। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के हिंदी के पार्ट फोर में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम होटलिंग्स एक्सट्रैक्शन कॉस्ट रूल पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने पार्ट वन से नहीं देखा है, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स नाम का एक प्ले लिस्ट है। अगर आप पार्ट वन टू थ्री देख लेते हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है लगभग वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। होटलिंग, हेरॉल्ड होटलिंग अमेरिकन मैथमेटिकल स्टैटिस्टियन थे, जो 1895 से 1973 तक जिए थे, और इन्होंने 1931 में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, अपना एक रूल दिया था, जो ये कहता था कि प्राइस ऑफ एन असेट विल राइज एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। और हम इस वीडियो में इसी डेफिनेशन को समझने वाले हैं, इसका मतलब क्या है। इकोनॉमिक रेंट या इकोनॉमिक प्राइस किसी भी रिसोर्स की क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोल है, तो उसका पर यूनिट फायदा आपको कितना मिलेगा। आप उसको जिस दाम पे बेच रहे हैं उस प्राइस में से अपना एक्सट्रैक्शन कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो आपका प्रॉफिट होगा। सपोज वो आपने कोल माइन किसी को दी है रेंट पर, तो उससे फायदा लेंगे। और अगर आप ही ने रेंट पर ली हुई है तो आपको उससे जो पैसा मिलेगा उसको आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल, यानी आपका फायदा। और ये किससे जुड़ा हुआ रहता है? डिस्काउंट रेट से। इसका रिलेशनशिप है डिस्काउंट रेट से। कौन से डिस्काउंट रेट से? ओवर टाइम, मतलब आगे आने वाले टाइम में इसकी प्राइस क्या होने वाली है। और इस पर मैंने पिछले वीडियो में डिटेलिंग की है, वो आप जरूर देख लीजिए। वैसे मैं यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। तो इन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम द मार्जिनल रेंट, यानी कि जो फायदा है जो हमें लास्ट यूनिट से मिलने वाला है, वो मस्ट राइज एट ए रेट इक्वल टू डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट। जब हम पीछे से आगे की तरफ जाते हैं तो इंटरेस्ट लगता है, और जब हम आगे से पीछे की तरफ उसी को देखना चाहें तो उसको हम डिस्काउंट कर देते हैं, इसलिए उसको डिस्काउंट रेट कह देते हैं। है वही रेट, इसकी मैंने डिटेलिंग पिछले वीडियो में की है। सपोज एक ओनर है, उसके पास एक ऑयल रिफाइनरी है, यानी कि वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको ऐसे ही छोड़ देगा एक फिजिकल एसेट के रूप में भविष्य के लिए, या उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको बेचेगा। अगर वो एक्सट्रैक्ट करता है, बेचता है, तो वो फिर उससे कुछ और खरीद सकता है फाइनेंशियल एसेट्स और अपना फायदा ले सकता है। तो दोनों ऑप्शन में से वो क्या चुने, होटलिंग ने इस पर अपनी राय दी है, अपना रूल दिया है। जैसे ऑयल है, ऑयल का एक बैरल है, मान लीजिए $100 का है, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट करना है इसको, तो एक्सट्रैक्ट करेंगे और बेचेंगे तो कितना मिलने वाला है फायदा, मान लीजिए $100 का, ठीक है। वो $100 आप कहीं इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आपका फायदा 100 के बाद इंटरेस्ट लगाकर ही होगा। अब अगर 100 प्लस इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा एक साल का, उससे ज्यादा यदि आपको ये ऑयल रखने में मिल रहा हो, इसको ग्राउंड करने में मिल रहा हो, तो आप फिर उसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो यानी ग्राउंड करने में, यानी कि उसको रखने में, यानी उसको ना यूज करने में, ना एक्सट्रैक्ट करने में अगर फायदा है, तो हम उसे रोक सकते हैं, हम उसको होल्ड कर सकते हैं। यानी कि ये जो इंटरेस्ट रेट विथ एक्सट्रैक्शन प्राइस हमको मिल रहा है, इसका और ये नेक्स्ट ईयर के प्राइस का आपस में संबंध समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये संबंध आपने समझ लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि होटलिंग रूल क्या है। होटलिंग ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, सबसे पहले ये देखिए कि अभी के करंट इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, और जिस प्रोडक्ट की बात आप कर रहे हैं, जिस रिसोर्स की, भविष्य में उसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो करंट रेट्स मान लीजिए $100 पर 5% आपको मिलने वाला है, बैंक में रखेंगे या किसी और जगह इन्वेस्ट करेंगे आप, तो आपको उसका 5% रिटर्न मिलता है। यानी कि मान लीजिए एक साल के बाद आपको $105 मिलने वाला है, ओके। लेकिन अगर आप उसको होल्ड कर लेते हैं तो उस कॉमोडिटी का या उस रिसोर्स का प्राइस नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन है कि वो $110 हो जाएगा। एक तो करंट हो गया इंटरेस्ट रेट, और एक्सपेक्टेड कमोडिटी प्राइस मान लीजिए $110 है। यानी अगर हम अभी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 105 मिलेंगे, और अगर हम उसे छोड़ देते हैं
और बाद में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें $110 मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, होल्ड, हम उसे होल्ड करेंगे, हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि $100 पे आपको 5 ही% मिल रहा हो, एक्सपेक्टेड कमोडिटी प्राइस 5 ही% बढ़ने वाली हो, $110 ना बढ़ के केवल $105 ही बढ़ने वाली हो, तो 105 तो हमको अभी भी मिल रहे हैं। अगर हम आज $100 निकाल लेते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं, तो हमको 105 अगले साल में मिलेंगे। और आप $100 रख रहे हैं तो अगले साल भी आपको $105 मिलेंगे, तो क्यों ना हम अभी निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब देखिए, हम होटल्स की रूल के डेफिनेशन के आसपास आ गए हैं। यहाँ हम एक्सट्रैक्ट करना पसंद करेंगे। प्राइस ऑफ एन एसेट विल राइज, यानी ये जो प्राइस है $100, ये बढ़ रही है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये 100 के बाद कितनी बढ़ी, $105 बढ़ी। किस रेट पर बढ़ी, उसी इंटरेस्ट रेट पर बढ़ी। अगर ऐसा होता है तो हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कहने का मतलब था हेरोल्ड का, यानी कि हेरोल्ड की जो इनसाइट स्टोरी है वो ये है कि बहुत सारे लोग एक्सट्रैक्शन में लगे रहते हैं, कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में जब ओनर्स लोग लड़ाई करते हैं तो जो एक्सपेक्टेड प्राइजेस होती हैं नेक्स्ट ईयर की, उन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। और उसका इफेक्ट और आज की प्राइस के इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट अगर बराबर हो तो क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है। क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, वो फायदा उठा रहे हैं तो हम क्यों नहीं उठाएं फायदा, क्योंकि आगे भी वही प्राइस मिलने वाली है, तो आज ही क्यों ना उठा रहे, नहीं तो वो उठा लेंगे, हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। यानी कि $100 आपका अगले साल $110 बनने वाला है, और 5% अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उसको ओनर क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, क्योंकि उसको फायदा अगले साल मिलेगा। लेकिन जब वो होल्ड कर लेगा तो वो स्टोरेज हो जाएगा एक तरीके से, यानी कि वो उस रिसोर्स को बेच नहीं रहा है, खुदाई भी नहीं कर रहा है, तो उसका स्टोरेज हो गया। अब स्टोरेज हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की होर्डिंग कर दो अगर आप, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो गई है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। अब जब प्राइस बढ़ेगी तो मान लीजिए उसी साल वो $100 कितने का हो गया, 105 का हो गया, प्लस 5% हमको ब्याज तो मिल ही रहा है, लेकिन उसका जो $100 था प्राइस, अब वो कितने का हो गया, 105 का। क्यों हो गया है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है इसलिए प्राइस भी बढ़ गई है, तो $105 अब मिलने लगे प्लस 5% और, तो ये 5% कितना होता है, 105 का करीब 5.25, और अगर वो हम इसमें जोड़ दें तो ये करीब करीब हो जाएगा 110.25, जो कि करीब करीब इसी के आसपास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्सट्रैक्ट। हम उसी रूल के आसपास आ गए कि जो हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस है अगर वो आज के प्राइस और इंटरेस्ट के बराबर हैं तो हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये था होटल्स का रूल, यानी कि प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, ये दोनों अगर एडजस्ट कर दिए जाएं इन्फ्लेशन के हिसाब से। मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट कर दिए जाएं इन्फ्लेशन के हिसाब से, क्या क्या प्राइसेस होंगी, कैसे कैसे इंटरेस्ट रेट्स होंगे, और जो उस इंटरेस्ट रेट का रेंट होगा, उस इंटरेस्ट रेट से हमको जो फायदा होने वाला होगा वो भी हमारा पॉजिटिव हो, अगर ये दो कंडीशन बनती हैं, तो जितना भी हमारे पास एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है यानी नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी डेफिनेटली। अब जब प्राइस बढ़ेगी तो वो किस बेस पर बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट्स के बेस पर ही बढ़ेगी। ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एडजस्ट किसके हिसाब से हो रहे हैं, इन्फ्लेशन के हिसाब से, यानी महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है, क्या वैसे वैसे आपने प्राइस को एक्सपेक्ट किया है अगले साल के लिए, हाँ किया है, और इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, हाँ, तो ये दोनों जब बराबर हो रहे हैं तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको एक डायग्राम से समझिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बैक स्टॉप भी बताया था, उसका भी हम यहाँ यूज़ करते हैं। ये प्राइस हो गया, ये टाइम हो गया, और तीन प्रकार के हम कॉमोडिटीज़ लेते हैं, एक हो गया गैसोलीन, एक हो गया इथेनॉल, और एक हो गया हाइड्रोजन। मान लीजिए ये तीनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे के बैक स्टॉप हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे किसमें कॉस्टिंग हमारी कम लग रही है, सबसे नीचे प्राइसिंग किसकी है,
गैसोलीन की। तो हम गैसोलीन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, और कब तक करेंगे? जब तक ये इथेनॉल के बराबर ना हो जाए, और इथेनॉल की कब तक करेंगे? जब तक ये हाइड्रोजन के बराबर ना हो जाए। मतलब यहां से हम निकले और हम एक्सट्रैक्ट करते 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 एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पर इथेनॉल की बराबर आ गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर अब हम इससे ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए गैसोलीन महंगा होगा, इथेनॉल सस्ता हो जाएगा, तो हम इथेनॉल पर शिफ्ट हो जाएंगे बैक स्टॉप की तरह। मगर इसमें होटल्स का रूल कैसे लग रहा है? होटल्स ये बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट बराबर हो जाए भविष्य की प्राइस के। तो ये जो हमारा यहां से मार्जिनल कॉस्ट चल रहा था इंटरेस्ट रेट के साथ, वो किसके बराबर हो गया? इथेनॉल के। तो हम इथेनॉल के साथ चल गए। लेकिन इथेनॉल पर चलते 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 हमने देखा कि एक पॉइंट के बाद इथेनॉल भी महंगा हो जाएगा। देखिए इथेनॉल ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो हम हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। जब तक हाइड्रोजन ऊपर था तो हम इथेनॉल पे थे, लेकिन जब हाइड्रोजन नीचे हो रहा था और इथेनॉल ऊपर था तो हम हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो गए। यानी कि हमारा इंटरेस्ट रेट्स बराबर किसके हैं? एक्सपेक्टेड प्राइजेस ऑफ फ्यूचर ऑफ दैट रिसोर्स। तो यहां पर फ्यूचर की इसकी रिसोर्स के बराबर नहीं था, इसके बराबर था तो यहां शिफ्ट हो गए, और फिर इसके बराबर था तो यहां शिफ्ट हो गए। यानी बैक स्टॉप और होटलिंग लगभग इंटरमिक्स हो गए। ये कंसेप्ट था होटल का, हेरोल्ड होटल का। दैट्स इट। थैंक यू।